भदोही जनपद के कोइरौना थाने की पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पैसे के लेन देन को लेकर हुए विवाद को लेकर जीजा ने कर दी थी साले की हत्या, गिरफ्तार। रिपोर्टेड बाई एके फारूकी। पैसों के लेन देन को लेकर अपने साले दीपू नट निवासी राम किशनपुर की हत्या करने वाले आरोपी जीजा निवासी ग्राम मंगला थाना बरसठी जनपद जौनपुर निवासी विकास नट को कोइरौना थाने की पुलिस 3 दिन के अंदर ही क्षेत्र के कलिजरा मोड़ से गिरफ्तार कर लिया है। साले के हत्यारोपी अभियुक्त विकास नट ने बताया कि बीते 19 जुलाई को मैं अपने ससुराल आया था और अपनी पत्नी की विदाई मांग रहा था। मेरे साले का कहना था कि तुम्हारी बीबी के इलाज में मैंने जो खर्च किया है, जब तक नहीं दोगे तब तक विदाई नहीं दी जाएगी। बस इसी बात को लेकर गुस्से से आग बबूला होकर हमने 20 जुलाई को लोहे की सरिया से वार करके साले की हत्या कर दी। गिरफ्तार करने वाली टीम में कोइरौना थानाध्यक्ष जयप्रकाश यादव, उप निरीक्षक अखिलेश कुमार यादव, सज्जाद हुसैन, अंतिम पांडे, योगेंद्र सिंह, शिवानी सिंह आदि शामिल है। एक दीपू नट का शव मिला था। सुबह उसके पारिवारिक जनों की सूचना पर थाना कोइरौना पर अपराध पंजीकृत करके विवेचना प्रारंभ की गई थी। विवेचना के मध्य तमाम गवाहों के बयान और संग्रहित किए गए साक्ष्य के आधार पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि उसके सगे जीजा विकास नट से पैसे के लेन देन का विवाद हुआ आकस्मिक रूप से, और उसी मारपीट में दीपू को चोट आई सर में, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य संग्रहित साक्ष्यों के आधार पर, पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर विकास नट के विरुद्ध अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। ये करीब 40-42 हज़ार रुपये उसकी बहन के को बच्चा हुआ था, यानी विकास का बेटा और उसकी बहन जो काजल थी मृतक दीपू की, उसकी बहन को बच्चा हुआ था 1 महीना पहले, ऑपरेशन से बच्चा पैदा हुआ था। उस ऑपरेशन में और चिकित्सा के दवाइयों में 40-42 हज़ार रुपये खर्च हुआ था। तो उसका ये कारण था कि जब शादी हो गई तो पत्नी का खर्च जो है पति वहन करें, हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग कर्ज लेकर के इधर उधर से खर्च किए हैं, वो भी दोनों वही गरीब हैं, इसी बात को लेकर के लेन देन का मामला बना। किस चीज़ से मारा गया है? ये लोहे की राड से, राड बरामद है और रक्त रंगित भी है, उसका परीक्षण करके अलग से लेकर। दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।